की सरजमीन पर स्वरूप खान आकर के हम लोगों को मनोरंजन करेंगे और ये सारा मनोरंजन आज हमारे मदर प्लैनेट मदर अर्थ के लिए। आप बैठिए स्वरूप जी, आई कॉल यू, आई विल लाइक टू वेलकम। आपको पता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, आप सब जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो कि अपने आप को हरा भरा रखना, हमारे शहर को हरा भरा रखना, पेड़ पौधों को संभाल के रखना ताकि हमारे शहर में कोई गंदगी ना कर सके। और मैं फामला कंपनी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया, इतने सज धज के जो लोग आप आए हो। सो मैं आपके सामने बहुत कम बात, द बिग बॉस मैन, द बिग बॉस फेम, अनिल भाई एक नंबर, क्या मैं यहाँ पे मामला फाउंडेशन आसिफ भाई मेरे भाई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। मैं तो अब तक कुछ किया नहीं लेकिन करना चाहिए भाई, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाप खाते हैं। अभी नया आ गया है कुछ, क्या आई बोला कि मेरे दुश्मनों से कहो कि मुझसे जलना छोड़ दो, मेरे दुश्मनों से कहो कि मुझसे जलना छोड़ दे, मैं घर से दवा नहीं मां की दुआ लेके निकलता हूं और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना क्योंकि मैं तो वो हूं जो खुशियां भी बांट दिया करता हूं। नया है। अरे एक नंबर कितनी बार बोलू यार भाई, हमारा देश एक नंबर हो जाएगा अगर हम लोग सब सही से जो आसिफ भाई सोच रहे हम सब सोच के अगर उसको सपोर्ट करें तो अपनी धरती अपना देश सब सही हो जाएगा, नहीं तो भाई सांस लेने का भी पैसा लगेगा बाद में। पानी बचाओ, नल चालू है, आदमी बस बात कर रहे हैं फोन पे, पानी जा रहा है भाई, समझेगी नहीं, कान के कैंसर होने वाले सबको यार ये मोबाइल से। थोड़ा भाई जो आसिफ भाई सोच रहे हैं उनकी सोच पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और अच्छे से ये काम को अल्लाह इनको कामयाबी दे और हम सबको हमारा देश सही हो जाए, हमारी धरती सही हो जाए भाई, धरती वो लड़की ने यार। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ। नहीं वो कुछ हुआ था बिग बॉस में, क्या हुआ था यार? कुछ हुआ था ना बिग बॉस में, क्या हुआ था ये लोग पूछ रहे, सही था क्या हुआ था? वो तो खान जी क्या क्या नाम उसका, अच्छा खान साहब, अरे दिल तोड़ दिया यार, कुछ नहीं भाई देखो महाकवि पोपट लाल जी कह गए थे लड़की बस और ट्रेन, पीछे नहीं भागने का, पीछे भागो छूट जाती है वहीं खड़े रहो दूसरी आती है। जब शेर आया था सामने तो क्या हुआ था, जब शेर आया था ना खतरों के खिलाड़ी में आप भाग रहे थे फिर एकदम पीछे, क्या हुआ था वो सब बताओ ना जरा। अरे भाई वो चीते के कान में जाके पहले ही मैं बोल दिया, मेरा भाई देख अगर तूने अभी मेरे से नाटक किया ना घर जाएगा तेरी बीवी तेरे से नाटक करेगी, तो मेरे साथ ने एकदम स्लो से दौड़ा वो, लेकिन रजनीश के सामने बहुत फास्ट दौड़ा था वो तो। अच्छा वो सैफ अली खान तो नहीं आ रहे पर उनकी आत्मा ही है इधर पे, आत्मा चलो सैफ अली खान, खान साहब क्या यार बस हो गया अभी भाई, हुआ सीने में दर्द तो उसकी दवा तुम हो और ना होता कयामत का डर तो कह देता खुदा तुम हो। भाई एक नंबर जनता, एक नंबर सब लोग, ख्याल रखो अपना भाई। हाँ थैंक यू सो मच एजाज खान के लिए, एजाज खान थैंक यू सो मच, आपने हेलो ओके फ्रेंड्स, एज वी सेड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज, पहले भी कहा और यही कहना चाहूंगा कि बामला फाउंडेशन जो काम कर रहा है
और आसिफ भाई जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अगर सब हम सब भी इनकी तरह 1% सोचे तो हमारा देश पर्यावरण में बहुत बहुत बदलाव आ सकता है। पानी बचाना, जिस तरह से पेड़ पौधों का ख्याल रखना, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से हमारे देश में, हमारे शहर में तो वैसे ही ऑक्सीजन बहुत कम है, ऋषि भी गांव में यहाँ वहाँ तो मिल जाता है। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन जो कर रहा है बामला फाउंडेशन, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से तो, और मैं भी इंशाल्लाह इनका सपोर्ट करूँगा हमेशा। ओके, मैं जब 9-10 साल का था तो मैं पानी हमेशा चालू रख के नहाता था और ऐसे मतलब वेस्ट करता था। तो मेरी मम्मी ने एक बार बोला कि ये पानी मतलब डराया मुझे कि अल्लाह ताला तेरे को ये पानी का हिसाब मांगेंगे जब तू ऊपर जाएगा। तो फिर मैं डर गया, तब से मैं ऊपर से मैं ये काम नहीं करता हूँ। बट हाँ, लाइट्स वाइट्स में कभी रह जाती है और यू नो, बट पानी तो मैं बचाता हूँ। नल अगर कहीं भी चालू है तो मैं बंद कर देता हूँ उसको। अभी इन दिनों कुछ अच्छा हो रहा है, अभी एक नई फिल्म कर रहा हूँ लव डे, और इंशाल्लाह सलमान भाई के साथ भी कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। तो ओके दोस्तों, हो रहा है सब कुछ। यार सलमान भाई आपको वी हैव अ स्पेशल वीडियो, आपसे प्यार से बात करते हैं, आपको गले लगाते हैं, यार प्यार अलग चीज है, काम अलग चीज है। काम तो होता रहेगा और काम मुझे मिलेगा इंशाल्लाह ताला, बट रिलेशन एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं भाई को सैल्यूट, भाई लव यू ऑलवेज, थैंक यू। ओके, थैंक यू मुफ्ती वंस अगेन। व्हाट हैव बीन डन टू इंप्लीमेंट इन द फ्यूचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। दिस इज द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। This is the 5th consecutive year Bamla Foundation is doing a World Environment Day. आज जागतिक पर्यावरण दिवस है और विश्व के हर कोने में आज लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैसे हर मजहब के लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, मुझे लग रहा हमें अपनी मातृभूमि, अपनी मदर इंडिया के लिए या मदर प्लानट के लिए ये दिन ईजाद करके इस दिन हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए। देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के कंजर्वेशन के कई सारे तरीके, मैं अपने घर से शुरू करूं तो पानी का जो वेस्ट है जो हम अमूमन करते हैं, मैंने एक नियम बनाया कि भाई यदि हम नहाते हैं तो शावर से जो एक्सेस वाटर वेस्टेज होता है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो हर छोटी छोटी बात से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे जो पानी बरसात का जो अमूमन वेस्ट होता है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन हर सोसाइटी में, हमारी फाउंडेशन के मार्फत से हमने ये योजना चलाई है। बांद्रा में लगभग हमारे विधानसभा में हम 500 सोसाइटीज़ में वृक्षरोपण करके उनको मेंटेन करने का काम अब तक करने में कामयाब रहे हैं। बस मेरी एडवाइस यही है कि इस बार जो है यूएन चार्टर ने एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक मैसेज दिया है, रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल, दैट्स ऑल। वी स्टिल लैक अवेयरनेस, इफ यू आस्क मी इन इंडिया we still don't have so many celebrations, so many awareness campaigns. Acha, we call the film people because we want them to talk about awareness. With the film people and with the social people talking, they are role models, there are lot many followers, so that carries a very large message. It goes to a larger section of society by and large. And we welcome Mr. Vanjani from NMK College. Mr. Bamla, please come up on stage, and Mr. Vanjani. Big round of applause for Mr. Vanjani, the principal of MMK College. A very strict personality. But today, so there's a lot to keep you entertained this evening, along with education and awareness about the environment. Okay, and we
We welcome Mr. Donald, the Environment Minister. I really support, this man really supported the Bamla Foundation and this initiative. We should do it. And the man behind this mission, Mr. Asif Bamla, the ordinary man with an extraordinary help, underprivileged children. I would like Mr. Bamla to give away a sapling on this auspicious day, the World Environment Day, Mr. Darren DeMonte. Mr. Bamla and everybody. We have a Bamla Foundation, Mr. Aditya Thakre. And by the time I like to Mr. Asif Bamla to give away Shiv Sena, Yuva Sena Neta, the president of Shiv Sena, Yuva Sena, Shiv Yuva Sena. We have Meet Brothers also with us. Thank you so much for being here. Mr. Aditya Thakre. Our environment and for ourselves, one more appeal is that we all think global warming is some globe heating up there. It's not that. It's this globe right here below our feet. So let's all do whatever we can to reduce our carbon footprint. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Thakre. Thank you very much. And thank you for nominating one gentleman who's going to be awarded tonight. Okay. Music, we have somebody to get you really rocking, ladies and gentlemen. Please welcome on stage Kunal Gajawala. You know, because we should take up initiatives before they evaporate out of immediate memory. Create on this patch as well. Honestly, grow more trees and save more trees from being cutting down. Music I'll do next year. Yeah? No. Ram and Payal has been supporting the Bangla Foundation for a very, very long time. And we thank you so much for being part of this. I know you've been to all our events. It's actually, but then the motive of this evening is to spread awareness about environment. As I told you that we are associated with the Society of the Suburb, going go green everywhere. It's a beautiful green t-shirt, which I really like. Few words on the World Environment Day. Sangram ji, zor se taaliyan Sangram ji ke liye. Namaste, aaj sabse pehle. Aur ye three news bol rahe hain ki mere sir ke upar ke ja rahi hai. ये गाने गाने वाले एनवायरमेंट वाले समझ में नहीं आ रहे बोल कर रहे हैं क्योंकि सिर के ऊपर ये जा रहा है मगर मैं यही कहूंगा कि खुश रहो थैंक यू यार आई वुड लाइक टू कॉल मिस सांसद बाबला टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड गिव हिम सैपलिंग्स टू आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक आसिफ जी आपका एनजीओ बहुत ही अच्छे कॉजेस के साथ जुड़ा हुआ है आई हैव नोन आसिफ जी फॉर क्वाइट सम टाइम एंड अभी संग्राम जी एंड आसिफ जी वी The World Environment Day. I wish them all the best because आप सब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. There's a lot of changes in the environment and हम सबको आगे जाके और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा if we don't look after the environment. So plant trees, look after your environment so that we have a good future for ourselves and our children. That's all I'll say. Thank you. ओ यार मैं wrestling के लिए लाके नहीं कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में wrestling के लिए तो pray करना सभी मेरे लिए please. आपके साथ है रेसलिंग लीग जरूर आएगी आईपीएल आ गई हॉकी लीग आ गई रेसलिंग लीग भी जरूर आएगी थैंक यू सो मच मिस्टर बामला गिव अवे दिस हैपनिंग टू पायल एंड संग्राम आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली एवर प्लांटेड अ ट्री हैव यू एवर सीन You know, it's the most beautiful feel you watch it grow. So I want each and every one of you today, well, if it gets a bit late today, tomorrow morning, go and buy a sapling and plant it somewhere and watch it grow. You'll just feel so connected. It's beautiful. So we have a beautiful diva. The one thing she said, which was so beautiful, is that if we, what we do for the environment, we are doing for ourselves. It's not somewhere out there. It's for us. It's for us and it's for all the species. To enjoy. So let's take it very, very personally and do it for us, for our future generations. Okay. So we want to see Vivek Oberoi. The green Vivek Oberoi on the World Environment Day. Ladies and gentlemen, put your hands together for Vivek Oberoi. Call Mr. Asif Bamla to please come on stage. A great actor, a great social activist, and a great human being, Vivek Oberoi. Masti, 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 all Oberoi. Hello Mumbai! Hey Ganpat! How you guys doing? Good to see you, yaar. Fantastic! What a spirit of Mumbai, yaar. Aap log sab World Environment Day ke liye bahar aaye hain this evening. Thank you to all of you people, yaar. Wonderful.
बस यही कहूंगा कि व्हेन आई वाज अ किड छोटा था माय डैड यूज्ड टू डायलॉग एक मिनट में अरे एक मिनट थाम रे बाबा ये पुलिस आएंगे ना बत्ती लगा के बोलने का माया भाई आया था Now, I just want to say something about the environment. When I was a kid, I was young, my dad started planting a tree every birthday of mine. And today, the lane we live in Juhu is one of the greenest, most beautiful shaded lanes that there is. I think it's a simple effort. Yaar, saath mein karo, make it a family thing. Celebrate your birthday, your girlfriend's birthday, family member's birthday, baju wale ki girlfriend ka birthday. Kisi ka bhi celebrate karo. But celebrated by planting a tree, like Ruby was saying. Ruby, by the way, you look gorgeous. Thank you. Timeless. Thank you. Celebrate by planting a tree, make Mumbai green. Today, Aditya, my buddy, and I have made the effort to make Mumbai a little green, light green and dark green. But permanent more efforts, man. Nice to see all you guys and Bhamla Foundation. I just like to say, Asif Bhai, you've been doing some great work. And I wish that you keep continuing such good work. Protection of the mangroves of Mumbai, very, very important issue. So I hope you take it forward. And this whole army of cool people here. All you cool people out here today, man. You guys are really cool. Really cool for coming here. So you should work with these cool people, inspire them and create something actually more than just an event, like a project. I'd be most happy to join in to plant trees with everybody. All right? Okay, I just want Vivek to talk a little bit about fatherhood. He had a baby who's 15 months now. I kind of talk about environment, yes. And also, environment is for the future children. Now, I have a toddler, and he's almost three now. Congratulations. So I just want, what's his name? His name is Vivan V. Oberoi. Okay, that's a lot of V's. Okay, V. Oberoi. Yeah. And what kind of future are you looking forward to for him? A green future, yeah. I want to give my child and all the children of the world a better Mumbai, a better India, a better world. Well, how has fatherhood changed you? Amazing. It makes me feel more responsible. And how do I explain fatherhood? I think when you're exhausted and you're sleeping and it's 6 in the morning and you hear a little voice saying, Dada, Dada, get up. And you still smile, no matter how sleepy you are. I think that's fatherhood. That's right. Okay, so we want our children to have something to smile about when they grow up and when their children are born. So let's take care of the environment now and preserve it before it gets too late. Great, so we'd like to felicitate Mr. Asif Bhamla, would felicitate Vivek Oberoi. Round of applause, please. And a big, big thanks to Vivek for coming out and for your ongoing work in the field of social activity and of course in the field of films and entertainment. Love to watch you on screen. Bigger. Renowned photographer and excellent human being. Akhil, we'd like you to say a few words, please. And how you feel that in your daily life you're able to contribute. A few tips maybe on how to protect the environment. वैसे मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था और वो कह रहे थे कि पिछले 16 साल में सबसे ज्यादा गर्मी थी उस दिन 46 डिग्रीज मेरे दोस्त राहुल दुलकिया का फोन आया था वो अहमदाबाद में है वो कह रहा है कि पिछले 100 सालों में सबसे गर्मी इस साल का मौसम आप देख रहे हैं कितना मेरे फेस पे पुरस्कार शायद हम ऐसे बहुत सारे अगर पेड़ न काटे और प्लान करें तो बहुत फर्क पड़ेगा थैंक यू सो मच अतुल थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुरेश प्रभु एक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर फॉर कैबिनेट of the environment Mr. Suresh Prabhu thank you so much for coming Mr. Sunil Chauhan to give away the sapling and also one of our favorite singers Sean has arrived Shantanu Mukherjee I like all the people to please make a lot of way I would seriously like this to go show to go really nice I want all the people to please sab log please zara piche aa jaye I think that
our industry is blessed with a lot of social. Okay, so it's a good idea to walk instead of taking an auto or instead of taking the car all the time. You know, once my mother asked me, okay, how long does it take? I stay in Versova. So how long does it take to get to Lokhandwala? I said, well, if you walk, it takes 20. If you take a car, it takes an hour. She said, how does that work? I said, there's so much traffic, you might as well just walk. So walk, use a bicycle, it's so beautiful. You know, I bought a bicycle a few years ago, and somebody said, actually, iske paas gaadi nahi hai, cycle se jaati hai, bechari. Good evening. Thank you so much for having me here, Mr. Bamla. It's my honor and pleasure. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सब ने काफ़ी कुछ आपको बोल दिया है लेकिन यही उम्मीद करूँगी कि आज अपना पाएँ बांद्रा की बात हो रही है मैं भी यहीं की निवासी हूँ और मैं ये कहूँगी कि मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं प्लास्टिक देखती हूँ सड़कों पर भरा हुआ होता है लोग सामान खरीद देते हैं और प्लास्टिक के बैग सड़कों पर फेंक देते हैं और यही प्लास्टिक हमारे गटर्स को हमारे ड्रेन को चोक करता है और जब मॉनसून आते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है इट्स ऑल्सो पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट सो वन स्मॉल टिप दैट आई होप दैट वी कैन इम्बाइब इन आवर लाइव्स एंड स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड आई विश यू ऑल अ वंडरफुल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड आई होप एवरी डे कैन बी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे Thank you. Thank you, Dia. Dia, I just have a little special question for you. If I recall, you studied at the Rishi Valley School, right? Yes. Which is more... now we have Dr. D.Y. Ajinkya D.Y. Patil here also from the field of education. How do you feel that your training at the Rishi Valley School helped you to be more environmentally conscious so that our education boards can also look at those options? I think it's a wonderful point that you brought up and I hope that if there are any educationists here, they're paying attention. I think one of the seeds that was sown very early in my life was the awareness of the consequences that the population of the world is dealing with in the name of progress to the environment. And we were encouraged to dig pits in school and create manure. We were taught how to not use plastic and use paper. How to recycle paper, conserve paper, plant trees, to turn the tap off while you're brushing your teeth. I know a lot of us just brush our teeth and the tap is running. Little things like that that we can, you know, bring into our lives. And these were early teachings that I'm very grateful for. And I think all schools and educationists can imbibe these things, these measures. Thank you so Thank much, you. Dia. Thank you, ladies and gentlemen. Big round of applause for. Dia Mirza! Mr. Bamla would like to felicitate Dia Mirza. Dia Mirza. I'd like to call upon the Bandra Cycle Club, Mr. Vishal Sharma, to please come on stage, Mr. Vishal Sharma, the Bandra Cycle Club, to give away a mandate to the Ministry of Environment, to Mr. Bamla, to Mr. Asif Bamla, on producing a cycle track. And you? I'm 11 years. What's your name? Ismail. You love to cycle? Yeah. Love to cycle? Yeah. You cycle to school? No. Why? Don't allow. Mummy does not allow, yaar. Mummy, please let them cycle to school and cycle to work, na? When they grow older, good. I would like to introduce to you Mr. Ajay. Mr. Ajay, can I have you in front, please? Mr. Ajay is an avid cyclist. Just see him. Come in the front. Asif Bamla to felicitate Mr. Majid Memon on this World Environment Day. Mr. Asif Bamla to felicitate Member of Parliament, Mr. Majid Memon. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ काम शुरू करना है अपने घर से शुरू करें उसके बाद बंबई शहर की बात करें उसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करें उसके बाद भारत विशाल देश की बात करें और उसके बाद सारी दुनिया की बात हम यहां से चले हैं आइए हम यहां की हवा को साफ करें सुथरा करें हेल्दी करें ताकि हमारे नौजवान यंग जनरेशन हमारे बच्चे बूढ़े औरत मर्द जो यहाँ सारे बसते हैं वो पाक साफ हवा में रहें
बेटर एनवायरनमेंट हो, एक अच्छी फजा पैदा करें, एक अच्छा माहौल पैदा करें। और ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हम एक मोहब्बत की हवा पैदा करें, इंसानियत की हवा पैदा करें, प्यार की और भाईचारे की हवा पैदा करें, और मिलजुल कर मेल मिलाप के साथ हमारे बांद्रा, महाराष्ट्र, मुंबई और भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। मैं सबको आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर आज इस महत्वपूर्वक फंक्शन को इतनी शान बख्शी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ एक से एक सितारे मौजूद हैं, और इसके लिए मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को और वो तमाम लोगों को जिन्होंने समय निकाल कर यहाँ हमारे इस मिशन के लिए एक स्पिरिट दी है, इंकरेजमेंट दिया है, उन सबका दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और ये सिर्फ 5 जून ही नहीं, अगले साल के 4 जून 2015 तक इस मिशन को 365 दिन चलाना होगा, और 5 जून 2015 को हम दोबारा मिलेंगे और इसी तरह से उत्साह के साथ बेहतर बांद्रा और बेहतर मुंबई को पाएंगे। इस आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू नो इट्स सो मच इंटरकनेक्टेड, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, नेचर, too much of technology, it's beautiful. I think technology has also done a lot to save people because we are doing things electronically now. But just as human beings, if we are more connected with nature, then we ourselves, I mean, I don't like the feel of plastic. When I go shopping, I don't want plastic. I'd rather carry 3-4 things in my hands and go rather than taking 3-4 plastic bags. So these are the kind of things you can do. Carry a cloth bag. Whenever you go shopping, just carry a bag or just carry it in your hand and say no to plastic. Absolutely not a plastic. We just don't need that. No plastic. Oh, I'll tell you another thing. It's a small thing, but I think it makes a difference if we all do it. You know, when we buy vegetables, so sometimes what we do is we give a good service. Tomatoes different, aloo different, kanda different, bhindi different, all small plastic bags. No need. Kanda, batata, tomato, all in one bag. The rest of the veggies in one bag. That too cloth, if it is possible. And these are the little things that don't go into the cow's stomachs. You know, cows start to eat these things. It goes in their stomach. And all the animals, nature, everything, say no to plastic. No plastic. No. No plastic at all. Say no. No to what? No to the family. Thank you so much, Sanjay Bhau, Bhabhi and everybody for being part of this beautiful evening. Jackie Dada. Tiger Shroff has got to be one of the most handsome men this entertainment industry and the whole world has ever seen. I took it as a compliment, and I think Jackie should too. One of the really, really, really nice bidos, I would say, of the industry. Jackie, thanks for being with us. Ah, bido. Bido. Bhai, aaya kahe ke liye tum logo ko malum hai na kya ho raha hai aaj? Environment Day. Barabar hai na? ये कुछ झाड़ बाड़ दिख रहे, थोड़े दिन देख लो, थोड़ा छांव ले लो, वाट लगेगा थोड़े दिन में अगर संभाला नहीं तो, समझा? यहाँ आके गाना वाना सुनना, मजे लेना, वो सब सही है, और अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अपनी जैसे आधा कवर में अभी अपने आइटम जो छोटे छोटे आने वाले ना, उन लोग के लिए एनवायरमेंट डे अब है बाबा। इनके लिए आया हूं, ये हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट के लिए आया हूँ। ये बाबा ने आज ये प्रयत्न किया है। पहले तो आप सबको भाई लोग इसकी बात समझना, ये क्या बोल रहा है। मैं तो आ गया हूँ, हम लोग तो चले गए, आधे ऊपर आधे नीचे अभी लटक रहे ले, मगर ऐसे झाड़ और कटते रहेंगे तो जरा जल्दी जाएंगे, समझा? तो समझ लो, सुधर जाओ, समझ जाओ भाई लोग। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, जस्ट टेक केयर। अपना नहीं सोच, अपने बच्चे का सोच, समझा? क्या? हाँ, अरे क्या म्हणतो, बोला जाते, नमस्कार। अरे रिवर्स, तुमचं रिवर्स जॉईन करायचा प्रयत्न आहे, करा आता। संजय भाऊ बिंदस, कुछ पूछना है तो पूछना, मेरे अंदर से कुछ निकलता नहीं रहा था। I must say that Jackie is one of the most... उसके पहले एनवायरमेंट मालूम नहीं था कि क्या है भाई, इन लोगों को क्या खिला रहे हैं, पानी बिक रहा है। तुम लोगों को तो अभी कैजुअल लगे, ये क्या कहती है वाला वाटर, अबे पानी बिक रहा है, नल में से पीते थे, नल में से, वो नल का जमाना गया, निकल गया, अभी हवा भी बिकेगा। बाद में बाबला के साथ बैठ के वो डिस्कस करने वाला हवा को कैसे बेचने का। हेलो हेलो हेलो
हवा भी भीगेगा थोड़े दिन में बबला बाबा। और एक समय था जब पानी जो है नदी से पीते थे, तो नल तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बॉटल में आ गए। नाउ आई थिंक इट्स टाइम दैट वी ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट स्टार्स सीनियर्स लाइक जैकी जी। Like I said, getting back to nature, being natural, and you can see the results. Like I said, Tiger is just blossoming with beauty. So I think Jackie did something right. Thank you, all the best, guys, and Bamla Foundation. I hope they keep doing the same thing all the time. Do good stuff for people, basically. जाने का खाली आती जाने का अभी भी खाली जा रहा है वो अलेक्जेंडर ग्रेड भी चला गया एक मच्छर मारा वो कल्टी समझा तो आप लोग जरा ध्यान रखो भाई लोग बड़े लोग सब बाबा बड़े लोग अपने बच्चों का सोचो अपना अपना काम बच्चे लोग का ज्यादा समझा समझा ना चिल्ला बिल्ला के कुछ नहीं होता बे ये झाड़ लगा जय हिंद जय महाराज थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत रौनक लगाई आपने थैंक यू ऑल आई लव टू शॉट टाइगर श्रॉफ ओके आई लाइक टू गो दबा के तुलसी लगाना दबा के तुलसी लगा बहुत अच्छी चीज है बड़ू ओके आई जस्ट सेड द शिव युवा सेना अध्यक्ष युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ऑन स्टेज एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यंग दासी का आदित्य ठाकरे एंड थैंक यू सो मच दिस गिव्स द सिंबल ऑफ सपोर्टिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वी हैव मिस्टर जयंतराव पाटिल ऑनरेबल द गार्डन मिनिस्टर वी वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द बामला फाउंडेशन यू मस्ट बी सीइंग आई डोंट हैव एनी व्यूज आई एम कंप्लीटली स्वेटिंग एंड इट्स ऑल दिस ग्लोबल वार्मिंग दैट्स ऑन मी ऑल ऑफ अस पण बामला जी वरती आहे तुम्ही खरंच खूप धन्यवाद तुम्ही आज हा इव्हेंट साजरा करताय मला वाटतं एन्व्हायरमेंटला साजरा करताय थँक्यू व्हेरी मच बिकॉज देर आर व्हेरी फ्यू पीपल हु डू दिस आणि मला माहित नाही किती लोकांना माहिती असेल मीही तुमच्यासारखा थोडं काही प्रयत्न करत असतो फॉर द लास्ट 6-7-8 इयर्स वी बीन सपोर्टिंग फॉरेस्ट टायगर्स मागच्याच आठवड्यात मी बोरिवली नॅशनल पार्कला एक टायगर अडॉप्ट केलेला आहे 2 इयर्स अगो वी प्लांटेड अबाउट 7,000 ट्रीज इन मुंबई Just here to assure you ki whatever help I can be of in official unofficial capacity I will always be here for you thank you jai hind jai maharashtra thank you jai hind jai maharashtra maharashtra bombay is the one Aye. is the place that has fulfilled all our dreams so many of us have come here and harvested so much from here so let us also contribute to its growth literally thank you very much aditya thakur ji for being here with us very well spoken and even more important very well done thank you mr aditya thakur so we're here at the world environment day brought to you by bamla foundation and the government of maharashtra ministry of environment the maharashtra pollution control board and we have people from all walks of life great stars great activists who are coming to share their views on the environment today. Yes. Yo, Bandra, man. मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि जगू दादा जो था मैं इतनी बड़ी पहुंची हुई हस्ती नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दो राय दो बातें कहूंगा एनवायरमेंट के बारे में बचपन में जब हम छोटे थे और हमारे माँ बाप हमसे कहते थे कि यार देखो वक्त जाया मत करो पढ़ाई करो तरक्की करो जब हम बड़े बन जाते हैं तो हमारे बेटे होते हैं हमारे बच्चे होते हैं वो भी ये कहते हैं हम उनको कहते हैं कि बच्चा बस जाया मत करो काम करो खूब मेहनत करो मन से काम लगाओ बट इंग्लिश में एक कहावत है कि जब भी हम लोग कहते हैं ना जैसे बच्चे को कहते हैं या बाप बेटा को कहता है कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट ठीक उसी तरह There is no time for waste anymore. So, as Mumbaikers, as Bandra people, and as people of this country, the one thing that we all should do is stop littering. Our families, our parents have taught us so much ki yaar ghar saaf rakho, ye saaf rakho. लेकिन इंडिया भी हमारा घर है यार मुंबई भी हमारा जमीन पे मजा लीजिए मेरे बच्चा ने मुझसे कहा कि पापा ये लोग डस्टबिन में क्यों नहीं रख रहे हैं डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रहे हैं मच्छर ना पले और तो मैंने बोला जिदान आपने अच्छी बात बोली आप ऐसे कीजिए कि वो जो बंदा है ना वहाँ पे उनको जाके बोल दीजिए और बस बोल देना कि भैया आपने यहाँ पे लिटर किया तो उस डस्टबिन में रखो आपकी बात शायद सुनेगा तो पहले डर गया जाओ कि नहीं पावर ऑफ कन्विक्शन अगर हमारे अंदर वो मैसेज
सीप गया है और आ गया है तो वो मैसेज हम बहुत आसानी से फैल सकते हैं. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योरसेल्फ, स्टार्ट्स विद योर लोकल एनवायरनमेंट. इफ यू कैन चेंज योर लोकल एनवायरनमेंट देन दैट विल गेट वायरल. जैसे कि हम लोग मैसेज भेजते हैं सोशल नेटवर्क साइट्स पे ये वो, और हम सबसे यही चाहते हैं कि वायरल हो जाए, वायरल हो जाए. ऐसे ही हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे काम करें कि वायरल हो जाए और अच्छे कॉज के लिए. बस यही कहना चाहूँगा मेरे फिल्म के बारे में. अभी अगस्त में आ रही है फिल्म. बहुत बहुत आई डोंट वांट टू टॉक टू मच. आई बीन इंजर्ड अ लॉट दिस एंड दैट, बट नाउ आई फाइनली गेटिंग बैक टू शूटिंग, सो आई एम रियली हैप्पी. और अगस्त सितंबर आई गॉट टू मूवीज कमिंग आउट, एक्साइटेड अबाउट इट. डे टू डे लाइफ यू कैन डू एनी क्विटिंग आउट इन द वाटर एनवायरनमेंट. वेल आई टोल्ड यू, आई मीन बेसिक चीज है. देखो कि हम लोग मुंबई में रह के मुझे सबसे बड़ी दुख ये होती है कि हम लोग लिटर ऐसे करते हैं जैसे कि हमें कोई सीखा ही है, हमें कोई पढ़ाई नहीं मिली इसमें. और अगर हम एजुकेटेड लोग अगर नहीं करें तो बाकी सब कैसे सीखेंगे. तो यही चीज है कि देयर इज नो शेम अगर कोई और जाके लिटर की यार आप उनसे कहा कि यार देखो भाई उठाओ, और उसने कहा कि आप शाणा बन रहे हैं, ठीक है, उसके सामने उठा के लख मामला फाउंडेशन वो जो सपोर्ट किया है बिकॉज वो जो एक कन्विक्शन है वो खुद सोचेगा मन ही मन घर जाके यार मैंने गलत किया. तो आपने एक आदमी को बदल दिया. तो वैसे आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मुंबई नीड्स टू बी क्लीनर ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. यू नो ये सिविक सेंस के यू नो दीवार पे पेशाब मत करो, लिटर को डस्टबिन में डालो, ये छोटी छोटी चीजें यार, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना. इनसे शुरू करो बाकी सब हो जाएगा. All of us can get together and मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा. मैं यही कहूंगा कि दोनों बहुत खुश हैं. बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे गाने बने हैं एनवायरनमेंट के लिए, और इसी गानों में एक गाना जो हमेशा हर किसी के जहन में आता है और मुश्किल से गाना है, लेकिन Sarosh, you joined me on this song, and it's a good earth song by Michael Jackson, and of course, we're going to try to sing this. But we need a mic. Once again, I'd like to ask you guys, Zabardast present to you, and you have a lot of great songs. और हम सब यहाँ के बड़े तादाद में आए हैं. हम सब चाहते हैं कि बांद्रा को साफ रखे. बांद्रा ही क्यों, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया को अच्छा रखते हैं, साफ रखें. और चूंकि बांद्रा समुद्र कितनी करीब है तो सारी हवाएं यहीं से गुजरते हुए आगे जाती हैं. तो अगर शुरुआत ही हवाओं की साफ सुथरा है तो आगे आगे जहाँ जहाँ तक पहुँचे हवाएं आपको बच्चों तक उस सफाई उस खूबसूरती को आगे लेके जाएंगे. भाई यार ये तो कुंभ का मेला लग रहा है पीछे तक. वेरी गुड मैडम, आपने अपना बच्चा नीचे छोड़ दे, किसी के पैरों में आ सकता है, उसको जरा पकड़ के जरूर रखें आप, ध्यान रखें. वैसे अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है, सारे इतने सारे लोग हैं. रोबी यहाँ पे बहुत से लड़के हैं जिनको एनवायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. सारी चीजें हर किसी को पता है कि एनवायरमेंट को हमें साफ रखना है, सुथरा रखना है, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेकिन जब इस तरह का अवेयरनेस एक डे होता है, लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो बात और ज्यादा अपने दिलो दिमाग में बैठता है, और इसके अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है. चाहे अभी मैं जाकर गाड़ी में भी बैठूंगा, मुझे बहुत जरूरत है कि ऐसी गाड़ी हम चलाए जो एनवायरमेंट ज्यादा पेट्रोल ज्यादा हर चीज में वो चीज होती है. जब हम के साथ बैठे होते हैं कितनी बार तुम खुद सब्जी लेने गई हो ऐसे गाने आजकल हम गा नहीं पाते, ना जमीन गाती है ना आसमान गाता है. टू
वो भी जरूर देखना. थैंक यू वेरी मच. सी यू. थैंक यू वेरी मच. एंड थैंक यू आसिफ सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. प्लेजर टू हैव यू. एंड थैंक यू. आप ऐसे इनिशिएटिव करते रहे. हम सब आपके साथ हैं और बिल्कुल ये सब भी आपके साथ हैं. हम लोग सब साथ देंगे. तो कमान एक बार जरा ताली बजा आसिफ सर के लिए. कमान यार कमान. Thank you very much. Thank you so much. Big round of applause from Anish. Excellent, excellent anchor and comedian. And he's doing a great job entertaining us on all those television programs. So Manish, more power to you. God bless you. कहाँ पर आप ये लगाने वाले हैं? रूबी आज से मैं तुलसी तेरे आंगन की. Thank you very much. Thank you. See you. Thank you very much. Have a good evening, guys. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much, Manish. Thank you for being with us. Thank you. Thank you so much, Manish. Also waited very patiently and taken the initiative from last 7 years and brought everybody under one roof. And I think. Hi, how are you? This is the message for all. Well, yes. Maharaj, let me tell you that all of us from film and television fraternity especially are proud to be audio, part of audio, AV audio. ये कहना चाहता एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छे इनिशिएटिव से हम सबको जुड़ना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं शायद हमारी बात थोड़ी सुन लेते हैं तो अच्छा लग रहा है. इनको यही बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है. So let's take a look and get a little bit more information about this event and a little more awareness about the environment. नहीं नहीं तेरे बिन लादेन पार्ट टू मैं बिल्कुल कर रहा हूँ. मैंने फिल्म रैप कर दी है और एक गाना शूट करना बाकी है. जल्दी वो भी हो जाएगा. फिल्म बिल्कुल कंप्लीट है. यार मैंने अपनी तरफ से प्लास्टिक यूजेज कम कर दी है. एग्जैक्टली बंद नहीं कह सकता बिकॉज क्रेडिट और डेबिट कार्ड अभी भी यूज करता हूँ मैं. प्लास्टिक बैग नहीं, मैं कपड़े का बैग यूज करता हूँ. मैं कचरा रोड में नहीं फेंकता और जो फेंकता है उसके कान पकड़ लेता हूँ. यार बिल्कुल नहीं मिस कर, बिल्कुल मिस करूंगा झलक को. झलक नहीं कर पा रहा हूँ बट चलिए और भी चीजें. नहीं यार एक्चुअली म्यूचुअली था बिकॉज मेरी कुछ फिल्म्स में मैं बिजी हूँ इसलिए इस साल मैं झलक नहीं कर पाऊंगा. ऑलराइट थैंक यू. नए होस्ट को ये कहना चाहूंगा बिंदास काम करो खुल के. ऑल द बेस्ट. हम अक्सर बातें करते हैं कि विश्व में कहीं से कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो आइए इस मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सपोर्ट करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भावना फाउंडेशन के इस मिशन. Of environment. Give a big round of applause for Mr. Asif Bamla. And I would request the honorable ministers to please participate. Mr. Ek, to Mr. Kapil Sharma. Honorable Jayendra Patil Sahab and Sanjay Dhuna Patil Sahab. With the environment minister, Mr. Sachin Harin Ji. कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है किसी बच्चे के मुंह पे मुस्कान लाना. लेकिन हम सब बच्चे हैं और हम सब बच्चों के मुंह पे स्माइल लाते हैं. कपिल शर्मा बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे से लेकर बड़े तक, दैट्स कपिल हु मेक्स अस लाफ एवरी डे. एंड टू मिस्टर जयंत पाटिल आल्सो मिस्टर संजय कुमार पाटिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and honorable Chandra Patil sir. And the ministers to the state. Asif Bamla ji, Chandra Patil ji, Bamla Foundation, the honorable minister Sachin Harin ji and Sanjay Dhuna Patil sir. I would request Sachin Bhauji to please felicitate Mr. Asif Bamla. Sachin Bhauji for great work Bamla Foundation has been doing. Yes, thank you so much, Sachin Bhau. Yes, big, big thank you, everybody. Big round of applause. पेड़ पौधे लगाओ नहीं तो हम बच्चों का सबूत दिखाएंगे. कपिल जी का ये मैसेज एनवायरमेंट को भेजने के लिए. Everybody is waiting to Kapil ji kab mic mein haath mein mic lenge aur kab jo hai hum sab bahut badi wajah se Kapil ji ne aap ko applause. Hi, thank you Vibhi ji. जो थोड़ा बहुत पर्यावरण बचा है इन्होंने बचा लिया बस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू से थैंक्स टू आसिफ भाई जिन्होंने इतने खूबसूरत काम के लिए
हमें भी अपने साथ जोड़ा भामला फाउंडेशन। सचिन भाऊ से हमारे बड़े पुराने संबंध है और जयंतराव पाटिल साहब और जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, अमीर ब्रदर्स और जितने भी खास मेहमान यहाँ पे आए हैं, सबको वेलकम करता हूँ अपने तौर पे, बिकॉज ये हम सबकी ड्यूटी है पर्यावरण को बचाना। सिर्फ ये नहीं कि आज हम लोगों ने सिर्फ पर्यावरण दिवस के ऊपर एकत्रित होके हम लोगों ने चार बातें कर ली तो कल को उसको भूल गए। मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है अपने शो में भी हम लोग ऐसी चीजें जरूर करते हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम लोग इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो मेरे ख्याल से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वो चीजें मिल सकती है जो हमें मिल रही है। और आज से कई साल पहले जो हमारे पुरखों ने चीजें देखी, मेरे ख्याल से हमें वो देखने को नहीं मिल रही है। बड़ी सारी चीजें लुप्त होती जा रही हैं और पर्यावरण ऐसी चीज है, खास तौर पे ऐसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली में एक टाइम पे ऐसा समय आ गया था सांस लेना मुश्किल हो गया था। उन्होंने, एक एक नागरिक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, इतने पेड़ लगाए वहां पे, आज चले जाओ काफी हद तक कंट्रोल में है। और मुंबई की पॉपुलेशन को देखते हुए और जगह को देखते हुए मेरे ख्याल से ये हर सिटीजन का फर्ज बनता है कि हम लोग पर्यावरण को बचाने में साथ दें। सिर्फ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ही नहीं काफी, जब तक हम लोग, मैं कहता हूं और नहीं तो हर साल कम से कम एक आदमी एक पौधा लगा दे तो मेरे ख्याल से वो भी काफी होगा योगदान, बजाय कि इसको इग्नोर करने के लिए। सो आप लोग जोरदार तालियां बजा के एक बार इस बात का सबूत दें कि आप लोग इंडिविजुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। हम लोग हर चीजों में आगे हैं, आपको भी, हम लोग हर चीज में आगे हैं इंडियन लोग। अभी हाल ही में इलेक्शन खत्म हुआ है, बड़े सारे लोगों के मन में यह था कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा कौन नहीं। अच्छा, मेरे को पता था, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे को पता था, मैंने कहा जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वही जीतेगा। तो बड़े सारे लोग मुझे पूछते हैं, बीच में कई लोगों ने मुझे बुलाया मेरे शहर में भी और इलेक्शन में खड़े होने के लिए, लोग मुझे कहते हैं आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा भाई ये हमारा काम ही नहीं है, हम लोग कर ही नहीं सकते। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है, क्या बोलना है सोच समझ के, और बड़ी समझदारी वाला काम। हमारा काम तो आपको पता ही, मैं क्या बोलता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं कभी भी पता चलता मैं क्या बोलता हूँ। और दूसरी बात है सचिन भाई, ये सच्ची बात है, मतलब आप मिनिस्टर हो, आपके आसपास 24 घंटे कैमरा, ये वो लोग रहते हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं मिनिस्टर लोग कर ही नहीं सकते। आप सोचिए कभी कभार आपको पेंट टाइट आ गई कोई, आप ऐसे कर ही नहीं सकते, मिनिस्टर लोग कर ही नहीं सकते। आपने कभी देखा है किसी प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को कान में खुजली हुई ऐसे करते हुए, ये आम आदमी कर सकता है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा ऐसा टाइप आदमी हूं। तो अब तो खैर इलेक्शन की बात छिड़ी है, अब तो माहौल इतना चेंज हो गया कि आजकल वोटिंग मशीन आ गए हैं। पहले, आज से 20-25 साल पहले देखिए आप, आदमी को कहते हैं नाम बनाने में इतना टाइम लग जाता है, नाम बड़े बिगड़ जाते थे वोटर कार्ड जब बन के आते थे ना। मेरी चाची जी का नाम मीना था, उनका नाम रमेश छप के आ गया रमेश। मेरा चाचा बेचारा बोलता है, कहता मेरी फीलिंग ही मर गई, मैंने उस दिन के बाद उसको उस नजर से देखना ही बंद कर दिया। उनका एक ही बेचारा उसके बाद कभी हुआ ही नहीं, कहता यार रमेश कुमार मेरी वाइफ का नाम, मेरे बड़ी सारी चीजें होती हैं। मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, अगर हम लोग देखें पिछले 50 साल में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और भगवान करे ऐसे ही भारत तरक्की करता रहे। नहीं तो कुछ साल पहले हमारे दिलों में गलत चीज बैठ गई थी हमारे मन में कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं है, जो किया अंग्रेजों ने किया है, कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने। मैं आपको बताता हूं बेसिक चीजें क्या होती है, अंग्रेज लोग जो होते हैं लाइमलाइट में आना जानते हैं, कैसे करना, समंदर तैर के पार कर लिया। हम लोगों के घर में भी समंदर है, हम लोग नहीं करते, क्यों तैर के निमोनिया कराए फालतू में सर्दी में, बोट में बैठ के जाओ। एक बाहर से घोड़ा आया, सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की चढ़ गया। हमारे घर में हम लोग आलस कर जाते नहीं चढ़ते, इतने खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघली जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम इंडियन लोग रिकॉर्ड नहीं बना सकते, हम लोग रिकॉर्ड बनाने पे आ जाए तो हमारे से ऊपर कोई नहीं है। बीच में एक प्रोग्राम आता था किसी चैनल पे शाबाश इंडिया करके, उसमें मैंने देखा एक आदमी रिकॉर्ड बना रहा, अजीब अजीब मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है, खुद भी तंग हो रहा है सांप को भी तंग कर रहा है, बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैंने कहा शुक्र करो भगवान का, शुक्र करो भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते बाहर आता लेने के देने पड़ जाते।
हिंदुस्तान में बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं। मुंबई जैसे शहर में जब से मैं आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे सब के सब बिजी लोग हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। किसी का पूछ लो आप कहाँ से आ रहे हो, I'm coming for a business meeting. Where are you going? Going for a business meeting. What are you doing in evening? I have another business meeting. एक मेरा शहर था, वहां से दो ही लोग फेमस हुए, एक मैं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हम पंजाबी लोगों को भी दो ही काम आते हैं, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे शहर में मैंने देखा, मुंबई में और अमृतसर में जितना फर्क है, लोग मुझे कहते हैं आप लोग ह्यूमर कहां से निकालते हो। मैंने कहा यार ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। जैसे मुंबई में है सब लोग बिजी हैं, कहां से आ रहे हो काम से, जा कहां रहे हो काम से। एक मेरा शहर है, किसी को पूछ लो कोई काम ही नहीं, किससे पूछ लो कहां से आ रहे हो, मैं खाना खा के। मैंने कहा जा कहां रहे हो खाना खाने, मैंने कहा शाम को क्या करो, खाना खाएंगे। तो मैंने कहा रात को फिर सो जाएंगे, सारा दिन खाना थोड़ी खाएंगे, है कुछ नहीं। अपने इंडिया में सच में दो किस्म के लोग हैं, या तो बड़ी मेहनत करने वाले या बिल्कुल निठल्ले। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, और कुछ करने को नहीं होगा, जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। इनको पता होता है सुनीता और कहीं जाना जाए उधर तो जरूर जाएगी। मेंटेलिटी है ना, खाली दिमाग क्या करे आदमी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, न्यूज पेपर लेके बाथरूम में घुस जाएंगे, छह छह घंटे बाहर नहीं आते। इनको पता बाहर जाके करना तो कुछ है नहीं। अब टेंशन किस किस चीज की लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको टेंशन नहीं होती, इनको इंटरनेशनल लेवल की टेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओबामा की टेंशन है, अमेरिका में बैठे हुए लदेन में नहीं मिल रहा था उनको कुछ साल पहले, उसकी टेंशन अपने सर पे ले लेते हैं बाथरूम में बैठे बैठे। खुद ही सोच रहे हैं यार लदेन किधर गया होगा, ये गोली मार लदेन को, तू सोच तू कहां पानी डाल आगे निकल दफा, तेरे को क्या लगा मेरा फालतू की टेंशन। पर बड़ी खुशी होती देख के जब हमारा देश तरक्की करता है, जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं यहां पे, यहां पे म्यूजिक भी है पीछे, तो मैं थोड़ा फायदा उठाते हैं उसका। आप लोग जितने भी आजकल गाने सुनते हो, अच्छा एक तो मुफ्त में आए, ऊपर से फरमाइशें बढ़ी आपकी, पहले बोल रहे दादा इस पर थोड़ा सा रिवर्ब देना। जितने गाने आजकल आते हैं, मुझे लोगों को देख के चार्ज हो जाता, मैं थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने हमारे शो को इतना प्यार दिया। बीच में थोड़ा बुरा टाइम आ गया था, हमारा सेट जल के राख हो गया था, तो लोगों को लगा शायद हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन ये आप लोगों का प्यार था जिन्होंने कहा कि आप सड़क पे खड़े होकर भी करोगे तो हम लोग आपका शो देखेंगे। थैंक यू सो मच। भगवान आपको बहुत खुशी दे, बहुत लंबी उम्र दे, आप इतना प्यार करते हैं हमें, इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेले घूमते फिरते रहो आप लोग। जी गाने आजकल कैसे कैसे आ गए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ ये गाने बुरे हैं, मुन्नी बदनाम हुई शीला जवान हुई, ठीक है, कोई भी महफिल तब तक हिट नहीं मानी जाती जब तक ये गाने नहीं बजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किनको आती है, जो टिपिकल एक अंदाज में गाने वाले हैं, जैसे अब जैसे आप मुंबई के लोग तकरीबन पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं कि कलाकार क्या करना चाहता है, क्या गाना चाहता है। कभी कभी आप दूर दराड़ गांव में चले जाओ, 40,000 लोग आए हैं, तो शहरे का मेला है, तो सोनू निगम गा रहे हैं, और 40,000 में 35,000 पी के आए रहते हैं, उनको पता भी नहीं स्टेज पे कौन खड़ा है, धुंधला धुंधला नजर आता है उनको, तो दूर से पूछ रहे होते हैं, हेलो उदित नारायण, चलो आशा जी का गाना सुना दो लता जी की आवाज में, अजीब अजीब फरमाइशें रहती है उनकी। ऐसे ही हमारे जगजीत सिंह साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहीं गए हैं, वो हमेशा ऐसी आत्माएं हमारे साथ रहती जिनको हम रोज सुनते हैं अपने घरों में। कहीं पे तो उनका गजल का कंसर्ट हो रहा था और अपनी फेवरेट गजल गा रहे थे। जी तो जगजीत जी, मैं उनके पांव के बराबर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा ऐसे मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। जगजीत जी आप यहाँ नहीं भी हैं, जगजीत जी अपनी फेवरेट गजल सुना रहे थे। अच्छा बीच में जो गजल गाने वाले होते हैं, सारे नहीं लेकिन गजल के कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कई बार डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो समझाते हैं हम लोगों को, लेकिन उनको आदत इतनी हो जाती है, कभी कभी सिंपल वर्ड भी होता है फिर भी समझाने लग जाते हैं। कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल बोले तो थॉट। अच्छा लोगों को भी समझ पता तो होता है, मजे लेते हैं। अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा समोसा। अब जगजीत जी कहीं पे गा रहे हैं अपनी फेवरेट गजल, तुमको देखा तो ये ख्याल, जिंदगी घनम
जवान ना कोई पता चला टाइप हो जाए विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑडियंस भगवान का रूप है मानना पड़ता है तो कैसे वो अपनी फरमाइश कैसे पूरी कर रहे हैं इशारों में बातें होंगी अजीब तरीके की इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे फिर मुबारक हो आपके घर बेटा हुआ है छोटे सिलेंडर के साथ पर्यावरण ये मजाक में हम लोग जरूर बात में मेरे आप मेरी आदत है लेकिन ये बड़ा सीरियस मुद्दा है सो इसको प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा जब आप घर जाएं तो हमेशा कोशिश करिएगा कि अपने घर में बाहर कहीं पार्क में जहां जगह मिलती पौधा लगा दो मैं तो कहता सड़कों पर लगा दो यूटर्न मार के आ जाएंगे जी बाला सुब्रमण्यम साहब एक सिंगर है साउथ के बहुत फेमस सिंगर हैं हर एक सिंगर का अपना अपना स्टाइल होता है बालाजी ऐसे सिंगर हैं वो ऐसा लगता है स्पा में बैठे बैठे गा रहे हैं मसाज करा रहे हैं साथ में थोड़ी फास फास लेके पहले सिर्फ दौड़ लीजिए आप आज शाम को ले आई और सामने ली अंगड़ाई और किस वक्त देख लिए आप लोगों ने अपने कीमती समय से समय निकाला और पाटिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं थैंक यू सो मच एक बार जोरदार तालियां हमारे सब तमाम लीडर्स के लिए क्योंकि ये लोग एक कोशिश कर सकते हैं शुरुआत कर सकते हैं लेकिन साथ आप ही लोगों ने देना है और अच्छा पीछे भी हैं लोग कैसे हैं जी को सर मैं सबको बताना चाहूंगा जी सर सोशल मीडिया में बहुत फेमस है पहले हिंदुस्तान में जिनको एक करोड़ लाइक मिला ऑन सोशल मीडिया ये इसी जमाने के लोग कितना सुधार करते हैं हर जगह गाँव हो शहर हो जगह कपिल शर्मा ने सैटरडे संडे वहां का बदल दिया है आराम से आपको एंटरटेन कर सकते हैं और आज क्योंकि पर्यावरण का दिन है और आप यहाँ पर आए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आपका पसीना बहा इस तरह थैंक यू सो मच मजा सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ ऐसे हमें प्यार करते रहिएगा और उम्मीद है जरूर आने वाली हमारी टीम को भी आप अपना प्यार देंगे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अपना कोई भी शो अगर करते हैं लोग उसको प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमारी किसी एक बात के लिए और किसी अच्छे कॉज के लिए अगर हम लोग कुछ बोलते हैं
और पब्लिक उसको फॉलो करती है. सो 10 लोग भी अगर मेरे कहने पे अगर ये काम करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम में मैं संपूर्ण हुआ. और स्पेशली मैं भामला फाउंडेशन आसिफ भाई उन्होंने ये इनिशिएटिव हमेशा हर साल ये करते हैं और जितने भी हमारी इंडस्ट्री के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से सचिन तेंदुलकर साहब हैं वो आए इस फाउंडेशन के लिए एनवायरमेंट बचाने के लिए जो ये मुहिम चलाई जा रही है सब लोग इसके लिए साथ दे रहे हैं बिकॉज एक अच्छी चीज़ है. सबको पता है कि हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी. सो मुझे लगता है कि हर कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है और यही कारण था कि आज मैं भी यहाँ पे आया. सो उम्मीद है कि लोग अवेयरनेस आनी चाहिए. शुरुआत कोई ना कोई तो करेगा. सो मुझे लगता है कि सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होगा. ये इंडिविजुअली हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसको सीरियसली लें. मैं अगर आप मेरे अमृतसर वाले घर में देखें तो मेरे गार्डन में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं. तो मतलब यहाँ पे तो मैं फ्लैट में रहता हूँ तो यहाँ पे पेड़ तो हॉल में तो लगा नहीं पाऊंगा लेकिन जितनी मेरी कोशिश रहती है कि और मैं पर्सनली भी बड़ा एंजॉय करता हूँ स्पेशली प्लांट्स लगे हों तो थोड़ा नेचुरल माहौल रहता है. ज्यादा मजा आता है मुझे लाइव में आके बिकॉज टीवी पे हम लोग करते हैं कैमरा लगे हुए वहाँ पे भी लोग होते हैं बिकॉज मेरा शो एक लाइव शो ही है. सो लेकिन यहाँ पे जब लाइव लोग आते हैं और बीच में से कोई छेड़ रहा है कोई किसी को और मुझे लोग छेड़ते भी इसीलिए हैं शायद कि ये कोई ना कोई जवाब देगा आगे से. सो मुझे मैं एंजॉय करता हूँ स्पेशली. जी नहीं मैं जब पैदा हुआ था तो मैं सीरियसली हुआ था वो मजाक नहीं था. सो अब एक यू नो एक इमेज बन जाती है लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हंसी वाली बात करूँ. सो मैं कोई सीरियस मुद्दे को भी उठाता हूँ तो पहले मैं थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ और फिर अपनी बात रखता हूँ. सो ये लोगों का प्यार है और लोग इसी वजह से मैं जाना भी चाहता हूँ. सो सीरियस में हूँ ऐसी बात नहीं और बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ. ये देखिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर. अभी दूसरा सवाल मैं करती हूँ. हमने सुना है कि सुनील ग्रोवर आने वाले हैं आपके शो में. क्या सही ये मैंने भी सुना है. मैंने आप ही लोगों के थ्रू सुना है और चैनल से बात चल रही है शायद उसके बारे में प्रॉपर मुझे जानकारी नहीं है पर जब आ जाएंगे तो पता चल जाएगा. मेरे लिए तो हमेशा ही हैप्पी. मैंने तो कभी उनको कहा भी नहीं था जाने के लिए तो अब आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम और वो आ जाएंगे और चैनल से बात चल रही है और जितनी जल्दी आएंगे अच्छा है मेरे लिए क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस की हमेशा जरूरत रहती है. मुझे लगता है हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया तो करते रहते हैं. अभी कल भी हम लोग शूट कर रहे हैं तो नहीं जी मुझे लगता है वो और भी किरदार कर सकते हैं. वही ठीक है उस कैरेक्टर को प्यार मिला लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी नई नई चीजें करें. आम जिंदगी में हम लोग करें जिससे पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ करें. सर मुझे लगता है कि मुंबई में जमीन की कमी है लेकिन हम अगर हम लोग चाहें जैसे हम लोग ये सरकारी पार्क अगर देखते हैं हम लोग तो सिर्फ सरकार के ही सर पे अगर हम लोग छोड़ देंगे यही करेंगे तो करेंगे. आप आके यहाँ पे कोई पौधा लगा दो तो कोई मना तो करेगा नहीं. अच्छी चीज कर रहे हैं आप. सो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें करनी चाहिए लोगों को. Thank you.